एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है संडे और मेरा है आज अहोई अष्टमी का फास्ट। तो बस मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। कल किया था हेयर वॉश, तो बाल खुले ही रह गए थे, चोटी नहीं बना पाई थी। तो बस अभी मैं बालों में क्लेचर लगा लूँगी क्योंकि मुझे सुननी है कथा। तो जब मेरा फास्ट होता है तो मैं अपने बालों को नहीं बांधती हूँ कथा सुनने से पहले। तो बस कथा सुनने के बाद ही मैं अपने बालों को बांधूंगी। तो बस यहाँ पे मैं क्लेचर लगा लूंगी क्योंकि मुझे अभी करने हैं घर के बाकी काम। तो यहाँ पर मेरे से ज़्यादा जल्दी पीहू को है और पीहू को ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। वो बार बार यही कह रही है कि मम्मी कपड़े चेंज कर दो, मुझे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध ठंडा। मेरा तो फास्ट है लेकिन बच्चों को तो भूख लगती ही है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे बैठे हुए हैं दूध पीने के लिए और चेरी को भी इनके पास ही आना है। और बहुत ज़्यादा तेज हो गई है आजकल। और ये देखिए अभी के हाथ में बिस्किट था तो इसको बिस्किट खाना था और एकदम अटैक करती है। ये देखिए इसकी हरकतें, उसकी गोद में जाके बैठी हुई है, दूध भी नहीं पीने देती है ये बच्चों को आराम से क्योंकि उनके पास ही जाके इसको बैठना होता है। तो मैं इसको ले जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो मैंने सब्जी बना ली है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी की खीर। तो सूजी की खीर मेरी बन चुकी है। अभी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल का बरूदा डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है चीनी। तो अभी मैं बना लूँगी पूरियाँ और 8 पूरी बनानी है पूजा के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में 8 पूरियों से भोग लगाया जाता है और सभी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मेरे मायके में ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ इसी तरीके से पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है और अभी मैं फटाफट से पूरियाँ बना लूँगी भोग के लिए क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है जल्दी। तो यहाँ पे मेरी खीर हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी केसर। इसका लुलू गिर गया। ये इसका कैसा लुलू है? ये इसका लुलू लग रहा है। पीहू का लुलू लग रहा है। अबे लुलू लग रहा है। दिखाइए मम्मी को। देखो। देखना कुछ है अभी ये? इसके पैर में ना। तो यहाँ पे मैंने 8 पूरी बेल ली हैं भोग के लिए। तो मैं फटाफट से तल लूंगी।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है संडे, अहोई अष्टमी है आज। तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वैसे तो जिस दिन की दिवाली होती है उसी दिन की अहोई अष्टमी मनाई जाती है। शनिवार की है दिवाली, लेकिन इस बार चौदस और मावस एक हो गए हैं, तो इसी वजह से आज के दिन यानी कि संडे के दिन हम अहोई अष्टमी मना रहे हैं। तो मेरा है व्रत और मैंने अभी भोग के लिए बना दिया है और खाना भी बना दिया है, क्योंकि संडे है, सभी लोग घर पे हैं और भूख भी इनको जल्दी ही लगती है। तो हम कहानी सुनेंगे 1 बजे के करीब। तो अभी हो रहे हैं 12:20 और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। तो आज मैं ये वाला कुर्ता पहनने वाली हूँ, ये वाला मैंने आपको दिखाया भी था, तो ये वाला कुर्ता पहनूंगी। तो चलिए अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो फेस वॉश कर लिया है मैंने, अब मैं लगा रही हूँ बायोटीका सनस्क्रीन और मैं डेली यूज में यही लगाती हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी NYV का सीरम और बहुत अच्छा सीरम है ये, और मैं डेली में ये जरूर लगाती हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार परचेस किया है इसको और मुझे बहुत पसंद आया ये। और जितने भी प्रोडक्ट है सभी मैंने पर्पल से परचेस किए हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर और प्राइमर भी NYV का ही है। तो प्राइमर लगाने के लिए मैंने कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए। इसके बाद मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स की BB क्रीम। तो अभी मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो बस मैं हो गई हूँ तैयार और अभी लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि करवा चौथ पे ही मैंने नेल पेंट लगाया था और वो आगे से छूट जाती है तो वो बेकार लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अभी नेल पेंट लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया है, क्योंकि जो मैंने पहले दुपट्टा ओढ़ा था वो सर पे रुक ही नहीं रहा था, बार बार वो गिरे जा रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा दुपट्टा निकाल रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे हो रही है अब पूजा की तैयारी।
नीचे दो मिनट तो सही ले हम दे 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 हां ले 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 बस और पीयू ने भी ले लिए मोतीस भी दिया बेटा नहीं यहां पे ना मोतीस महोदय जाइए बेटा मोली उठा ले तो कथा सुनने से पहले सभी एक दूसरे के हाथों में कलावा बांधते हैं, अपने लोटे पे कलावा बांधते हैं, एक दूसरे को टीका लगाते हैं और थोड़े थोड़े चावल सभी के हाथों में दिए जाते हैं और इसके बाद सुनी जाती है कथा। चलो दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख कौन बंधवा लो, कोई बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर बोला, पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातकाल उठकर चुप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी। गौ माता सुख खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो मांगे सो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा था। साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप से तेरे बच्चे को सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, सात समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जू बढ़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जूए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हुआ बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे साथ बेटे साथ बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, साथ बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे
पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलूंगी। खोलती तो नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर सात बेटे सात बहुए और सात बहुए मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, सात अभोई बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा सात बेटे बहुए बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने सात अभोई बनाई, सात उजमन किए और सात कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। मैं बोली, तुमने तो कोख बनाई नहीं सो मैंने कोख बना ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। तो यहाँ पे हमने कथा सुन ली है और अब हम सूर्य को जल ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पे पीहू और अंश को भी देखना था कि ये लोग परात में क्या देखते हैं, तो बार बार ये भी कह रहे थे कि हमको भी देखना है। और पीहू के हाथ में है चावल, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी ने तो चावल इसमें डाल दिए हैं लेकिन मैं क्या करूं। तो मेरे से पूछ रही थी कि मैं इन चावलों का क्या करूं, तो बस मैं उसको बता रही थी कि इस तरीके से तू डाल दे। स्मोक, मम्मी मम्मी स्मोक ज्यादा है इसलिए इनको धूप नहीं दिखेगी। तो जल चढ़ाने के बाद अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। और ये जो परात का जो जल होता है ये तुलसी में डाल दिया जाता है, लेकिन आज संडे था तो इसी वजह से तुलसी में नहीं डाला, जो और पौधे हैं उनमें ही डाला था। अब हमने जल चढ़ा दिया है, अब हम चाय पियेंगे और खाएंगे। हमारा तो मतलब पी जाएगा लेकिन मामी हमारी, ये मामी है मेरी और ये तारों को पानी चढ़ा के तब इनका वर्ष खुलेगा, लेकिन हमारा अब खुल चुका है। तो चलो चलो एक एक चलो एक एक करके नीचे चलो। हाँ मेरी चप्पल ले रही है ना। हाँ चलो। अरे तुझे बर्तन नहीं खोलना। अच्छा खोलना पड़ता है। अष्टमी तो बोल दे। हैप्पी हैप्पी बस ये बोल दिया। अहोई अष्टमी अष्टमी हैप्पी यू बोलेगी।
न्यू बोलेगी, बोल दे। तो अब यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है और तो अभी मम्मी पूजा कर लेगी और उसके बाद मैं पूजा करूंगी। और दो बर्तन रखे जाते हैं पूजा के पास ही, और ये बर्तन का जो पानी है वो दिवाली वाले दिन मतलब गोवर्धन वाले दिन सलाया जाएगा, और जो हमारे हाथ में चावल होते हैं वो हम अपने सीधे पल्लू में बांध लेते हैं। तो बस इसके बाद हमारा जो व्रत है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम अपना व्रत खोल लेंगे। और यहाँ पे कुछ पीहू की फ़ोटोज़ हैं जो करवा चौथ वाले दिन पीहू ने खिंचवाई थी, तो वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।